हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी गार्लिक पराठा बनाएंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लेंगे, उसकी लोई बनाएंगे। और हम जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से यहाँ एक रोटी बेल लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे चीज स्लाइस, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीज स्लाइस लिया है, वो रख इसके सेंटर में रखेंगे। उस पे डालेंगे 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इसको चारों तरफ से इस शेप में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पे सूखा आटा लगा के इसको एक पराठे की तरह बेल लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा बेल गया है। अब दूसरी तरफ हम लेंगे एक बोल में बटर, उसमें डालेंगे कुछ लहसुन बारीक कटे हुए, डालेंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया पत्ता भी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को पराठे के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से पूरे पराठे पे फैला देंगे। अब इसको बेलन की हेल्प से इस तरीके से पराठे के ऊपर सेट कर लेंगे। अब चलते हैं इसको सेकने के प्रोसेस में। यहाँ पे हमने तवा लिया है, तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है, उस पे इस पराठे को रख देंगे। अच्छे तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। ये देखिए इस तरीके से घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो इसे आप नाश्ते में बनाकर खाइए या डिनर में खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। चटनी के साथ खाएं या सॉस के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। और आज की मेरी वीडियो अगर आपको आई है पसंद, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।